वन यू ए वन यू। नमस्कार, एवन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों पर। शोपियां मुठभेड़ में मेजर सहित एक जवान शहीद, कुलगांव में दो आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी। जयपुर के दूदू पुलिस की कार्रवाई, अंतर जिला वाहन चोर का किया पर्दाफाश, पुलिस ने 5 शातिर चोर सहित 14 बाइक भी की बरामद। जोधपुर के वारंदा में टायर की दुकान में लाखों की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की घटना, पुलिस ने किया मामला दर्ज। कोटा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर टंकी पर चढ़े एक दर्जन लोग, प्रशासन ने की समझाइश की कोशिश। जोधपुर पुलिस लाइन में थानेदार के घर हुई लूट, लड़की को बंधक बनाकर 25,000 रुपए लूटे, थानेदार का रिश्तेदार ही निकला लुटेरा। अब खबरें विस्तार से। जयपुर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। कुलगांव में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया, वहीं शोपियां में 3 आतंकियों को सेना ने घेर लिया। आपको बता दें, शोपियां एनकाउंटर में सेना ने एक अधिकारी और एक जवान के शहीद होने की खबर बताई है, साथ ही एक अन्य जवान घायल भी हुआ है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने शोपियां की घटना को हमला बताते हुए जिम्मेदारी ली है। शोपियां में सेना और उग्रवादियों के बीच चल रही मुठभेड़ के अलावा कुलगांव में भी मुठभेड़ हुई है। कुलगांव में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कुलगांव एनकाउंटर के बारे में जानकारी देते हुए कुलगांव के एसएसपी श्रीधर पाटिल ने बताया कि एनकाउंटर करीब आधे घंटे तक चला। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए दोनों आतंकी कई मामलों में वांछित भी रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 4 अगस्त को राजस्थान के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे, उनकी जिसकी जिम्मेदारी प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी जुट गई है। आपको बता दें, पायलट पिछले 3 दिनों से तमाम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनकी स्थिति का जायजा भी लिया। इसी क्रम में पायलट ने सांचौर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर राहुल गांधी के दौरे पर भी चर्चा की है। अगली खबर सूर्य नगरी जोधपुर से। जोधपुर पुलिस लाइन में थानेदार के घर में घुसे लुटेरों ने अकेली लड़की को बंधक बनाकर 25,000 रुपए की लूट को अंजाम दी है। लुटेरे सबूत मुटाने के लिए लड़की को मारना चाहते थे, लेकिन पड़ोसी के आवाज देने पर उनको भागना पड़ा। एक लुटेरा थानेदार का रिश्तेदार ही निकला। उनकी तलाश में पुलिस की टीमें भेजी गई हैं। यह वारदात जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट लाइन में हुई है। यातायात पुलिस में तैनात थानेदार रामफूल मीणा ड्यूटी पर थे और उनकी पत्नी मंदिर गई हुई थी। उस समय 2 युवक घर पर पहुंचे। थानेदार की 12 साल की बेटी पिंकी ने अपने रिश्तेदार रिश्ते में चाचा रामकेश के रूप में पहचान की है लुटेरे की।
बता दें सूर्यनगरी में ये बहुत बड़ी वारदात सामने आई है। क्वार्टर है रामपुल जी मीणा, इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है जिसमें मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है और मुलजिम इनके पारिवारिक के ही बताएं, जिनकी तलाश में दो अलग अलग टीमें का गठन कर टीमें तलाश में भिजवाई गई है। वहीं जोधपुर जिले के ही बोरुंदा कस्बे के काटा मार्केट में टायर की दुकान से देर रात चोर करीब 2 लाख रुपए के टायर चुराकर फरार हो गए। आपको बता दें ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने बताया कि दुकान के बाहर लगे कैमरे में एक बाइक सवार बाहर खड़े होकर रैकी कर रहा था, एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें चोर टायर रख रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दूदूछाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर जिला वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। जयपुर ग्रामीण एसपी रामेश्वर सिंह ने थाने में प्रेस वार्ता की। एसपी ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने टीम को गठित किया और इस टीम ने मामले में 5 शातिर चोरों की गिरफ्तारी की है और साथ ही 14 बाइकों की बरामदगी भी की गई है। ये चोर आसपास के जिलों में बाइक चुराते थे और उन्हें सस्ते दामों में बेच देते थे। ऐसा चोरों सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है, कई अन्य वारदातें भी खुलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। वहीं कारौली में हिंडौन सिटी के सदर थाना क्षेत्र के कटकड़ गांव में ग्रामीणों को एक व्यक्ति का शव मिला। इससे गांव में सनसनी फैल गई। इसके बाद ग्रामीणों ने सदर थाना क्षेत्र में शव पड़े होने की सूचना दी, जिसके बाद सदर थाना अधिकारी चंद्रभान सिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौका स्थल पर पहुंचे और शव की शिनाख्त करवाई, जिसमें मृतक व्यक्ति सुरेश मीणा बरगाम के मूलपुरा का होने की जानकारी मिली है। शिनाख्त होने के बाद परिजनों को सूचना दी गई है। इधर शव का राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में पोस्टमार्टम भी करवाया गया है। वहीं इस मामले में मृतक के भाई मुनेश मीणा ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक व्यक्ति 2 दिन पहले गांव कटगढ़ में रिश्तेदार से मिलने गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच की शुरुआत कर दी है। अब खबर भरतपुर से। भरतपुर के डींग के मुरलीपुरा में अपनी बहन से मिलने आए यूपी निवासी एक युवक की रात को अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। युवक की तबियत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां भरतपुर ले जाते समय युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ऐसे में परिजनों ने युवक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। झुंझुनू शहर के रोडवेज डिपो के महिला शौचालय में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार सुबह जब रोडवेज डिपो पर सफाईकर्मी सफाई करने गया तो उसे वहां पर एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया। सफाईकर्मी ने बाहर आकर लोगों को इसकी जानकारी दी तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर देखा तो शौच करते करते ही व्यक्ति की जान चले जाने के हालात दिखाई दिए। इसके बाद शव को बीडे के अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है।
वहीं शिक्षा नगरी कोटा के कनवास रोड पर गुजरिया खेड़ी के पास रोड पर जानवर आ जाने से बाइक असंतुलित होकर फिसल गई। इस हादसे में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस की मदद से कोटा के MBS अस्पताल लाया गया है, जहां पर उपचार के दौरान 6 साल के मासूम बालक की मौत हो गई। वहीं घायल पिता का अस्पताल में अभी भी उपचार जारी है। दरअसल गुजरिया खेड़ी निवासी हंसराज अपने 6 साल के बेटे बुद्धि प्रकाश के साथ कनवास के दरा अपने ससुराल जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में उनकी बाइक के सामने जानवर आ जाने से बाइक असंतुलित होकर फिसल गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर हंसराज की पत्नी भी बैठी थी, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है। वहीं पुलिस ने बालक के शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं ख्वाजा की नगरी अजमेर शरीफ से एक बड़ी वारदात सामने आई है। महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अश्लील फोटो लेकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस के अनुसार पीड़िता के परिजनों ने थाने में आकर युवक राकेश पवार के खिलाफ शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि युवक ने किसी खाद्य पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींचकर धमकी देकर बार बार दुष्कर्म करता रहा। कल एक महिला ने 300 का मुकदमा दर्ज कराया अपने साथ रेप होने का, जिस पे आज मुलजिम राकेश पवार सन ऑफ रामलाल पवार निवासी भोपाल बड़ा, उसको आज अरेस्ट किया है, अनुसंधान किया जा रहा है। मैं ये दर्ज करवाया कि पिछले 1.5 साल से मेरे को ये धमका के मेरे साथ बलात्कार करता, जब उसको मना कर दिया उसके बावजूद भी वो असली फोटो वगैरह कैच ली उसने और फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, इस पर मुकदमा दर्ज। वहीं जयपुरिया अस्पताल में महिला नर्सिंग कर्मियों को APU करने के मामले में तूल पकड़ लिया। नर्सिंग कर्मियों ने चिकित्सा मंत्री के आवास पर नारेबाजी की और APU हुई महिला नर्सिंग कर्मी माया गुप्ता को बहाल करने की मांग की। इस पर मंत्री कालीचरण सर्राफ ने कहा कि गत दिनों से महिला के प्रसव को लेकर विवाद सामने आया था, ऐसे में मामले की जांच के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी पारस जैन की अध्यक्षता में 5 चिकित्सकों की एक जांच टीम गठित की गई है। टीम की रिपोर्ट में 2 अस्पताल कर्मचारी दोषी पाए गए हैं, जिनमें एक महिला नर्सिंग कर्मी माया गुप्ता और एक रेजिडेंट चिकित्सक राधा अग्रवाल शामिल थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर माया गुप्ता को APU किया गया है। वहीं राधा अग्रवाल को रेजिडेंट होने के कारण कड़ी चेतावनी दी गई है। नर्सिंग कर्मियों के विरोध को लेकर मंत्री सराफ के ने जांच रिपोर्ट को सही ठहराया है और इस विरोध के खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। जांच में 5 लोगों की कमेटी बनाई थी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर पारस जैन जी की अध्यक्षता में, उसमें महिला आयोग की सेक्रेटरी मेंबर अमृता चौधरी थी और यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट रेखा सिंह जी थी, एक CMHO सेकंड थे और एक डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ। उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर उन्होंने 2 लोगों को दोषी पाया, एक तो माया गुप्ता जी नर्सिंग स्टाफ की मेंबर है और एक रेजिडेंट डॉक्टर है अपने डॉक्टर राधा अग्रवाल। तो हमने अपने जो नर्सिंग स्टाफ की हैं उनको तो हमने APU किया है। वहीं जयपुरिया अस्पताल में विरोध प्रदर्शन का कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ नर्सिंग कर्मियों ने बदसलूकी की। आपको बता दें कि अस्पताल के नर्सिंग कर्मी जहां APU हुई महिला नर्सिंग कर्मी के पक्ष में सरकार का विरोध कर रहे थे, वहीं कवरेज करने पहुंची मीडिया कर्मियों से अभद्रता की। इतना ही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारियों ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की। मामला जब वरिष्ठ चिकित्सकों तक पहुंचा तो उन्होंने नर्सिंग कर्मियों के इस व्यवहार पर निंदा जताई और मीडिया कर्मियों को आश्वासन दिया कि आगे ऐसी बदसलूकी मीडिया कर्मियों के साथ देखने को नहीं मिलेगी।
शिक्षा नगरी कोटा के चंद्रसेल रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ चंद्रसेल गांव के करीब एक दर्जन से भी ज्यादा लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में करीब महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। सूचना के मुताबिक मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश की भी कोशिश की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने नाले पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं गांव के लोगों का यह भी कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय विधायक को भी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं लेक सिटी से एक खुशखबरी, लेक सिटी की धड़कन माने जाने वाला फतेह सागर आखिरकार छलक ही गया। फतेह सागर को छलकता हुआ देखने की शहरवासियों की इच्छा बुधवार देर रात पूरी हुई। 13 फीट की भराव क्षमता वाला फतेह सागर के लबालबा होने के बाद 4 गेट 1-1 इंच खोल दिए गए। गेट खोलते ही फतेह सागर पर जो पानी की चादर चली, उससे एक मनमोहक नजारा सामने आया। जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारी मिली, वैसे वैसे लोग इस नजारे के गवाह बनने के लिए फतेह सागर पहुंच रहे हैं। देर रात फतेह सागर की चादर पर लाइटिंग की शुरुआत की गई, जिससे निकलती रंग बिरंगी रोशनी से पानी की चादर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। गुरुवार सुबह से ही फतेह सागर पर लोगों की भारी संख्या में तांता लगा हुआ है। बाड़मेर के समदड़ी के नजदीक खंडप गांव में श्री महावीर जैन जीव दया सेवा समिति नाम के लिए, ये तो गौरक्षा के लिए प्रसिद्ध है और जानी भी जाती है। इसमें हजारों की संख्या में गाय विचरण करती हैं, लेकिन गौशाला संचालन की हट नीति के कारण दुर्दशा का शिकार हो रही है। अगर गौशाला के अंदर की हकीकत देखी जाए तो आपको नाम मात्र की गौ सेवा नजर आएगी। बारिश का मौसम आते ही गौशाला चारों तरफ से पानी से लबालब हो जाती है। पिछले 10 दिनों से हुए बाढ़ के हालात के बाद अब तक गौरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। पूरी गौशाला के अंदर पानी और कीचड़ भरा हुआ है। गौशाला की गायों के लिए किसी भी तरह का कोई प्रबंधन नहीं है। ऐसे में जब तहसीलदार ने गौशाला का निरीक्षण किया और वहां फैले कीचड़ को देखा, तो उन्होंने गौशाला प्रबंधन और गौपालक को बुलाकर जमकर लताड़ लगाई, परंतु सफाई के निर्देश भी दिए। एवन न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।